ಜನಯೋಗಂ ಸರ್ವದಾ ವರ್ಜಯೇತ್ಯ ಕುಣತ್ವಮಿವ ಸುಕೀರ್ತಿಂ ತ್ಯಕ್ತು ಕಾಮೋ ವಿರಾಗೀ ವಿಷಮಿವ ವಿಷಯಾನ್ಯೋ ಮನ್ಯಮಾನೋ ದುರಂತಾಂ ಜಯತಿ ಪರಮಹಂಸೋ ಮುಕ್ತಿಭಾವಂ ಸಮೇತಿ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುರವೇ ಮಹಾತ್ಮನೆ ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಗಾಯ ಸದುತ್ತಮಾಯ ನಿತ್ಯದ್ವಯಾನಂದರಸಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಭೂಮ್ನೇ ಸದಾಧಾರ ದಯಾಂಬುದಾಮ್ನೇ. ನೀಚೋಪಿ ಪಾಪಬಲಿತೋಪಿ ವಿನಿಂದಿತೋಪಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ವಾಹಮಿತಿ ಅಸ್ತು ಕಿಲೈಕವಾರಂ ತಮ ಯಕ್ಷಸೀಶ ನಿಜಲೋಕಮಿತಿ ವ್ರತಂ ತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನ ಬಂಧೋ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಂಖ ಪಾಣೇ. ಸೀತಾರಾಮ 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 ಸೀತಾ ಸೀತಾರಾಮ 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 ವೃಷ್ಯಾವರಣಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಉಮಾಪತಿ ಮಹಾದೇವ ಕೀ ದಯಾಲು ಸದ್ಗುರುದೇವ ಭಗವಾನ್ ಕೀ. ಪರಮ ಪ್ಯಾರೆ ಗುರುಮುಖ ಸತ್ಸಂಗಿ ಪ್ಯಾರೆ ಬಂಧು, ಆಜ ಇತವಾರ ಕೀ ಇಸ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಗೋಷ್ಠಿ ಮೇ ಹಮೇ ಬೈಠನೆ ಕಾ ಮೌಕ ಮಿಲಾ ಹೈ. ಜೊ ಯಾದ ಕರ್ತಾ ಹೈ ವಹಿ ಆಬಾದ ಹೋತಾ ಹೈ, ಜೊ ಭೂಲ ಜಾತಾ ಹೈ ವಹ ಬರ್ಬಾದ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ತೋ ಹೈ ಹೀ ಅಪನೇ ಅಪನೇ ಧಂಧೋ ಮೇ ಅಪನಿ ಅಪನಿ ಬಾತೋ ಮೇ ಮಗನ್ ಹೈ. ಐಸಾ ಕೋಯಿ ಬಡಾ ಹೀ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೊ ಅಪನೆ ಗುರು ಕೋ ಅಪನೆ ಇಷ್ಟ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಅಭಿ ವಹಾ ಸೇ ನಂಗಲಿ ಸೇ ವೋ ಮಹಾ ತ್ಯೋಹಾರ ಮನಾಕರ್ ಯಹಾಂ ಸೇ ಗಯೇ ಹುಯೇ ಕುಛ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ವಾಪಸ್ ಆಯೆ. ಕಲ್ ವಹಾಂ ಕಾ ಪ್ರಸಾದ ಮಿಲಾ ಔರ್ ವಹಾಂ ಕಿ ಬಾತೇ ಸುನ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲಿ ವಹ ಅಪೂರ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗಮ ಜಹಾಂ ಹಜಾರೋ ಲೋಕ ಲಾಖೋ ಲೋಕ ಜುಟೆ ಹುಯೆ ಥೇ ಉನ್ ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಭು ಕಿ ಖಾಸ್ ರೂಪ ಸೇ ಯಾದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ವೈಸೆ ತೋ ವರ್ಷ ಭರ ಆದ್ಮಿ ಜಾತಾ ಹೀ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಆಯೋಜನ ಜೋ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೋತೆ ರಹತೆ ಹೈ ಕೋಯಿ ಖಾಸ್ ದಿನ ಪರ, ಜನ್ಮದಿನ ಕೆ ಬಹಾನೆ ನಿರ್ವಾಣ ದಿನ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಭಿ ತೋ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಹಮನೆ ಮನಾಯಿ, ಅಬ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ದೋ ಮಹೀನೆ ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ರಾಮನವಮಿ ಕೆ ದಿನ ಶ್ರೀ ರಂಗಲಿ ವಾಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ಮಹಾಮಹಿಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಿಖರ ಪರ ಪಹುಚೆ ಹುಯೆ ದಾದಾ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ದಯಾಲ್ ಜೀ ಕಾ ಜನ್ಮದಿನ ಬಿ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೈ. ಉಸ್ ಅವಸರ ಪರ ಬಿ ಹಮ್ ಉನ್ಹೇ ಯಾದ ಕರೆಂಗೇ. ಅಭಿ ಸೇ ಉಸ್ಕಿ ಖುಷ್ಬು ಜೈಸೆ ಆನೆ ಲಗಿ ಹೈ. ಅಸಲ್ ಮೇ ಇನ್ ಆಯೋಜನೋ ಕೆ ಅವಸರ ಪರ ಯಾ ಯೇ ಜೋ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೋತೆ ಹೈ
इनकी भी स्मृति या इनका आभास किसी खास खास को ही होता है। बहुत सुलझा हुआ हृदय यदि नहीं होता तो उसे नहीं पता चलता है। अभी दादाजी हमारे भोग की बात करते थे और योग की बात करते थे। जिसकी रुचि भोग में है उसकी प्रवृत्ति योग में नहीं होगी, वह आठों पहर भोग का ही उपाय ढूंढता रहेगा, वह भोगों की ही युक्ति और जुगाड़ में लगा रहेगा। उसे योग का सम्मेलन, योग की बातें, योग की चर्चा या योगनिष्ठ जो महापुरुष होते हैं उनके पास बैठना, उनको दर्शन करना, उनसे कुछ सुनना सीखना उसे नहीं भाएगा। वह हरदम ही उसकी मनोवृत्ति कौआ की वृत्ति जैसी वहाँ से हरदम बाहर की ओर ही रहेगी। हैं लोग दुनिया के ये पाठशाला में भांति भांति के लोग होते हैं। एक वैसा भी होता है, श्री नंगली निवासी भगवान के समय में सुना करते थे कि वे 24 घंटे में एक बार जब उनका दर्शन खुलता था तो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों से सुना है कि जब दंडवत करते थे लोग गुरुमुखों उठो उठो प्रेमियों, ऐसा जो आवाज सुनते थे 24 घंटे के बाद उन मनमोहनी सूरत को देखकर कितने लोगों की सुरति चढ़ जाती थी। अब सुरति किसको कहते हो तुम? अकेले में बैठ के जो ध्यान अभ्यास किया जाता है उसमें सुरति का उत्थान किया जाता है कि ये सदगुरु की पाठशाला में जो सुरति हमारी पिंड देश को नीचे फंस गई है, यहाँ त्रिकुटी में जहाँ तिलक लगाते हैं टिक्का लगाते हैं वहाँ से ऊपर 7 लोक है और 7 लोग नीचे हैं। ये 14 लोकों की जो चर्चा होती है तो ऊपर के ब्रह्मांडी मुकाम है और नीचे का पिंड देश है। ये तो वृत्ति यहाँ 7 के नीचे पिंड देश में इंद्रियों का वास है, 10 इंद्रियाँ इसके नीचे हैं, 2 कान 2 आँख 2 नाक मुंह हाथ पांव गुदा लिंग, ये सब जो 10 इंद्रियाँ हैं वो नीचे हैं और वृत्ति उसमें हरदम डूबी रहती है, कभी खाने के जुगाड़ में, कभी चखने के जुगाड़ में, कभी सूंघने के जुगाड़ में, कभी देखने के जुगाड़ में, कभी बहुत मधुर स्पर्श के सुख के उसके जुगाड़ में, उसमें ही लगा रहता है मन। यहाँ से ऊपर को बहुत कम चढ़ता है, जो थोड़ी देर भी 24 घंटे में थोड़ा देर वक्त निकाल के सदगुरु के बताए हुए उपचार के मुताबिक जो ध्यान साधना करते हैं, दृष्टि का उत्थान करते हैं, थोड़ी देर भी करते हैं तो उनको आदत बन जाती है। दिन भर भी वो जैसे ही इधर से, जैसे स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उसकी माँ घर में बैठी हुई है, स्कूल की कई घंटी ताकते रहता है कि कैसे घंटी बजी नहीं कि, और वहाँ से झोला लेके और भागता है जोर से और जाके अपने माँ के गोद में चिपक जाता है। उसी तरह से जो योगनिष्ठ पुरुष हैं वे नीचे की वृत्तियों को ऊपर उठा के जहाँ नीचे घबराहट होती है, जहाँ माया मोह प्रपंच लोभ अहंकार का प्रसंग आता है, वे फट से अपनी वृत्ति को ऊपर चढ़ा लेते हैं। एक बड़े अच्छे नामनिष्ठ सिद्ध परमहंस महात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वे काशी में रहते थे और बड़े फक्कड़ संत थे वे। वो उनको 3-3 बड़ा बड़ा मठ था और बड़े ही धनाढ्य और बड़ा प्रभावशाली महापुरुष थे। गुरुदेव से मिले भी थे, महाराज जी ने भी उनकी ऊंचाई की बड़ी तारीफ की थी। तो हम लोगों ने एक बार दर्शन किया उनको, उस जंगल में वे अकेले काशी के सब मठों को छोड़ के और वहाँ एक झोपड़ी में रहने लगे थे।
तो पहले से परिचित तो थे ही, उन्होंने भी हम लोगों को बड़ा प्यार किया कि आप उन महाराज के शिष्य हो तुम, और उनके चरणों को पकड़ के बैठे थे। तो मैंने पूछा कि महाराज जी आपने वो काशी का मठ छोड़ दिया क्या, वहाँ नहीं जाते हैं? कहा कि बेटा वहाँ नहीं जाता हूँ, वहाँ वो सब जो है प्रवृत्ति का जो जुगाड़ा है ये, और हम सन्यासी बने हैं निवृत्ति के लिए ना, निवृत्ति मतलब इससे छुटकारा के लिए, और हम प्रयास हरदम करते हैं पकड़ने के लिए। तो उस निवृत्ति के परक जो संसार में है, आश्रम ये निवृत्ति ही है, शुद्ध ढंग से यदि इसको समझ के जिए तो इससे भी निवृत्त हो जाता है आदमी, कारण कि इसमें एक विशेष बात है ये। जैसे कांटा गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारे भीतर में गड़ गया है बबूल का कांटा, और उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को उसके बगल में दबाते हो, तो वो कांटा भीतर गड़ा हुआ है, उसका दोनों मुख जो है भीतर वाला और बाहर वाला दोनों भीतर घुसा हुआ है, इसीलिए वो कड़केगा, इधर उधर हिलोगे तो कड़केगा, दर्द करेगा। और ये जो दूसरा कांटा गड़ाओगे, इसका एक छोर तो उसके भीतर है और एक हाथ में है, इसलिए इसको वहाँ ले जाके जहाँ वो है वहाँ से नीचे से गड़ा के निकाल दोगे और ये दोनों को फेंक दोगे। तो कहते थे कि ये जो है वो भीतर का कांटा है और ये बाहर का कांटा है, तो ये भी कांटा, ये आटा दाल चावल और मेरा तेरा ये यहाँ भी होते रहता है, लेकिन इसमें कहते थे कि फसावट नहीं होगा, इसमें तुमने इसको पकड़ रखा है और ये गुरु के निवृत्ति परायण और तुम्हें निवृत्त करने के लिए संसार से, उस संसार का कांटा जो भीतर घुसा हुआ है मेरा तेरा का, उसको निकालने के लिए ये महापुरुष ने इसको युक्ति बनाई है। काम वहाँ भी करते हो यहाँ भी करते हो, वहाँ भी गाय पालते हो यहाँ भी पालते हो, वहाँ भी खाना पकाते हो यहाँ भी पकाते हो, वहाँ भी भाई परिवार नाना प्रकार लोग हैं और यहाँ भी हैं, इनसे भी झगड़ते भी हो, किसी से प्रेम भी करते हो, लेकिन इसमें मोह नहीं होगा तुम्हें, ये उजाड़ा हुआ है, ये तोड़ा हुआ है, कारण कि ये गुरु के संकल्प पर ये इसकी बुनियाद रखी गई है, यहाँ तुम फंसोगे नहीं, यही इसलिए दावा है। पूरे आराम होके यहाँ की सेवा करो, वो सेवा बनेगी, वहाँ का गाय खिलाना तुम्हें मोह पैदा कर देगा और यहाँ मोह नहीं पैदा करेगा, यहाँ वो सेवा बन जाएगी। तो इसी वृत्ति के उत्थान के लिए ये जुगाड़ बताया महापुरुषों ने, कहते हैं यहाँ सुरती के होला चढ़ान पढ़ाई जम के पढ़ा। एक बार गुरुदेव महाराज जी के समय में एक गीत गाते थे लोग कि पाठशाला खुललबा महान पढ़ाई जम के पढ़ा, एक भक्त थे महाराज जी के जो गाते थे कि ये पाठशाला महान खुला हुआ है, जम के पढ़ाई पढ़ो, जम के मतलब एकदम युद्ध स्तर पर पढ़ो, और यहाँ सार शब्द के होला पढ़ाई, यहाँ सुरती के होला उठान, यहाँ पढ़ाई जम के पढ़ो, यहाँ सुरती का उत्थान होता है, यहाँ गिरता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ये पढ़ना लिखना चाकरी ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। वो गगन जो है ऊपर का ऊर्ध्वलोक में, उसमें चढ़ना मुश्किल है, नीचे तो धंसा ही हुआ है इंसान। इसीलिए योगी लोग जो जीवन भर अभ्यास द्वारा अपने वृत्ति को ऊपर चढ़ाते हैं ऊपर चढ़ाते हैं, उनको आदत लग जाती है। जब प्राण निकलने को होता है उस समय वृत्ति को अब लगता है कि कंठ में प्राण आ गया, तो उस समय अपने वृत्ति को एकदम उस सोहम तत्व में विलय करके उसके ऊपर में बस यहाँ से त्रिकुटी से ऊपर चले जाते हैं और उधर से निकलते हैं। इसीलिए कई लोगों का जब मृत्यु होती है तो देखा जाता है, किसी को टट्टी निकल जाती है, किसी को नाक से खून निकल जाता है, किसी का मुंह खुल जाता है, किसी की आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, किसी के कान से कुछ पानी सा निकल जाता है, मतलब कि उसी वृत्ति में वह लय करते करते कान के लिप्सा में, मुंह के लिप्सा में, या और नीचे के इंद्रियों के लिप्सा में जो जीवन भर उसी भोगों में रमण के रहता है, वो तो नीचे से निकलेगा और उसकी पूर्ति के लिए निश्चित रूप से पशु ज्वनि में जाएगा। वो भोग ज्वनियाँ हैं जो संसार में 84 लाख
जोनियों के अतिरिक्त इंसान के अलावा एक को निकाल देने के बाद जो जितना बचता है उन जोनियों में उसका जन्म हो जाएगा। और यहाँ से ऊपर और यहाँ किसी का यह ब्रह्मांड फट जाता है, वहाँ से निकलता है, तो कहा जाता है कि उसकी गति मुक्ति हो गई, वो फिर नीचे को नहीं आता है। तो इसी उत्थान की ये पाठशाला है, ये ऊपर उठाने की पाठशाला है कि तुम जो ये भोगों में जो रमण करते हो यहाँ से ऊपर जाओ, तुम्हें यहाँ जल के लिए इसके खोज करने के लिए तुम्हें इंसान का शरीर नहीं मिला था, तुम्हें मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयम, मनुष्य का शरीर मिला, ये बड़ी भाग से मिला, और मनुष्य के शरीर में भी मुक्ति प्राप्ति की इच्छा जगी, वो बड़े भाग्य से मिला, और उसमें सद्गुरु की शरण मिल गई, तो ये महाभाग्य हो गया तुम्हें। कारण कि मनुष्य का शरीर तो मिला ही है साधन करने के लिए, और मुक्ति की इच्छा जगी तो इच्छा की पूर्ति गुरु कर देगा, वो जीवन में मिल जाएगा और उस इच्छा की पूर्ति कर देगा, तुम यहाँ से निवृत्त हो जाओगे और फिर यहाँ नहीं आओगे। तो उस महात्मा से पूछा, बड़े मस्त महात्मा थे, कहे महाराज जी आपने छोड़ दिया उसको? कहा हाँ बेटा छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी कहाई कि दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं में एक गुरु उन्होंने चील को बनाया है। वो चील जो है वो मांस खाती है, मांस का टुकड़ा, तो उसमें से किसी दरिया में से एक उसको मछली को चोंच से पकड़ लिया उसने, और लेके ऊपर उड़ के जाती है, पेड़ पर बैठ के कहीं खाती है, तो उसको मछली को लिए हुए उड़ते हुए कौवों ने देख लिया। तो कौवा सोचे कि मुफ्त में अब उतनी देर तक इंतजार के कौन मछली पकड़ने जाए, और इसको ही इसी का मछली छीनते हैं, और उसके पीछे लग गए। उसके ऊपर दसों कौवे लूज के उसको मारने लगे, इधर मारे उधर जाए, इधर मारे उधर जाए, और इस प्रकार से उसको मारते मारते लहूलुहान कर दिया। और अब वो लोभ जो उसका था मछली का, वो छोड़ नहीं रही थी, कारण कि अब बोलती तो मछली नीचे गिर जाती। वो तो कौवा जो थे उससे कोई बैर नहीं था उनको, उनको बैर था केवल उस मछली से, और उसके लिए उसको पीछा करते 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 बहुत दूर तक गए। अंत में देखी कि अब खून से लथपथ हो गई, कि अब तो ये मार ही डालेंगे, तो उसने अपनी बोली में काँ की आवाज़ की, आवाज़ करते ही मछली नीचे आ गई, और कौवा जो है मिल के उस मछली को लूट लिए। ये जाके बेचारी अपना खून चाट चाट के किनारे बैठी, तो ये देख रहे थे दृश्य गुरु महाराज, वो जो दत्तात्रेय जी भगवान देखते देखते कहा कि हे चील माता, तुमसे मैंने शिक्षा ली, ये दुनिया के केवल रगड़े झगड़े जितने हैं ये तभी तक लगे हुए हैं जब तक ये संसार के भोगों की मछली आदमी छोड़ता नहीं है। इनके लिप्सा नहीं छोड़ेगा तो निश्चित रूप से ये घायल होगा, ये हृदय व्यथित है, दुखी है, कोई पागल है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई आहत है, या कोई गोली चला देता है, कोई कुछ करता है। ये कुल कौवे जो दुनिया के इसीलिए तभी तक हैं जब तक से ये लगा हुआ है। तो उन्होंने ये कहानी कह के कहा कि बेटा वो सब ताकते रहता था कि ये सोवे बुढ़वा तो कब मरे ताकि मठवा हम ले लें। और तीन को मठ था, काशी का बड़ा भारी मठ था, वो तो धन बहुत था, बड़ी लाखों की संपत्ति थी, लेकिन कोई टांग भी दबाता था तो हमारे लोभ से नहीं, हमारे ज्ञान विचार के लिए नहीं, जो हमारी सेवा करता था वो सब हम जानते थे कि वो किस लिए कर रहा है। वो ताकता है कि बाबा मालदार है, ये मरेगा तो ये मठ हम ले लेंगे। दो चार लोग मिल के कहता है कि चलो ये मरेगा तो दो आदमी हम लोग मिल जाएंगे, तुमको हम महंत बना देंगे, हम चेला बन जाएंगे, और सबको देखते थे, उसी लालच से लगा रहता था। और कई लोग ये भी खींच के मन में सोचता था कि ये बुढ़ा न जाने अमृत पी क्या है, मरता क्यों नहीं है। और मैंने उनको खुश कर दिया और वहाँ से निकल के आ गया। मैंने एकदम भुला ही दिया कि वो तीन इतने बड़े बड़े मठ हैं उस चील माता जैसा, कि हे अभागे ये तुमको बाओ मछली और आपस में लड़ो, और लड़ लड़ के मरोगे भी तुम, एक मछली में कितने 20 को कौओं का क्या पड़ेगा, इसलिए तुम लपट के मरोगे। वो बेचारी देखती रहेगी कि देखो ये बेचारी है, वो इसी के लिए थे, लोभी थे, मरेंगे, और मैं छोड़ के उस चील माता जैसा मैं यहाँ आ गया। बेटा अब मैं ऊपर ही रहता हूँ, ये जो संधि है ना, जो टिक्का लगाया जाता है, यहाँ से ऊपर ही रहता हूँ,
थोड़ी देर खाने के लिए और इंद्रियों के क्रियाकलाप के लिए थोड़ी देर के लिए आता हूँ और फिर ऊपर चढ़ जाता हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और वहाँ कौवे लिपट के लड़ रहे हैं, लड़ाई शुरू हो गई है, मुकदमेबाजी हो रही है, अब मर्डर भी होने वाला है, सब हो गया है और मैंने उसको छोड़ दिया है बेटा। इसलिए साधु को तमाम राग और रगड़ों से जब तक से निपटे रहोगे तब तक तुम्हारा मन शुद्ध होता रहेगा, संसार में विक्षोभ पैदा होगा और उस विक्षोभ से वृत्ति जो है वहाँ से नीचे खिसक जाएगी और पिंड लोग में मुकदमाबाजी भी करोगे, राग भी बनाओगे, झगड़े भी बनाओगे और तुम्हें परमात्मा का घर छूट जाएगा, तुम नीचे आ जाओगे। इसलिए बेटा मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये जो सबके लिए है, तो अनेक प्रकार के रास्ते जो योग है, ज्ञान है, भक्ति है और सेवा है, निष्काम कर्म, ये चार तरीके जो महापुरुषों ने बताए इस पिंड चक्र से छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा भक्त भी पाता है अपने इष्ट देव के प्रेम में, जैसे गोपियां बावली हुई, मीरा इत्यादि को जैसे बावलापन चढ़ा, रात दिन उनके चिंतन में नीचे शरीर की सुध ही नहीं रही, इसलिए परम भक्त भी इस नीचे के पिंड लोक को छूट जाता है और उसका इष्ट चुकी उधर ऊपर के लोकों में चढ़ा हुआ है। गुरु महाराज जी कहते थे कि तुम निष्काम सेवा जो ले जाती है, इस सेवा से सेव्य के प्रति प्रेम भाव जगेगा और तुम्हारा सेव्य का प्रेम जो है तो सेव्य तुम्हारा शरीर में तो दिखता है, वो तो शरीर के ममता को, दुनिया के ममता मोह को छोड़ चुका है, इसलिए इससे प्रेम बनाओगे और मेरा प्रेम तो उस मंत्र से है, सोहम मंत्र से, और मैं तुम्हें उधर की ओर डाइवर्ट कर दूंगा और तुम सोहम रूप हो जाओगे। इसलिए गुरु के नाते जो सेवा की जाती है उस सेवा से गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है। जिसकी सेवा तुम दुनिया की करते हो तो दुनिया के लिए प्रेम होगा, जो उसको कुछ भी करोगे तो उसका अनंतर परिणाम तो वही है, और इस दर की सेवा करोगे दरबार की तो गुरु महाराज से सेवा होगी और गुरु महाराज की सेवा तुम्हें अपने सुरती से जोड़ देगी, कारण कि वो तो हरदम सुरती में चढ़ा रहता है। तो ये एक सेवा का रास्ता बताया। योगियों ने योग साधा, शरीर में तमाम जो आसक्तियां हैं इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि 8 योग जो हैं इससे अपने बड़ी चक्र को शोधन करके इससे इसको निवृत्त कर लिया, जैसे मक्खन को मथ के निकाल लिया जाता है, उसी तरह से वृत्ति जो ये शरीर चक्र में उलझी हुई है इन चक्रों के शोधन करके ये ऊपर को हो जाएगा और ये इसको इस तरह पिंड लोक में पहुंचा दिया जाता है। और ज्ञान जो है ये अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम तत्वमसि, ये चारों वेदों के तत्वार्थ जो वहाँ के निहित शब्द हैं बिल्कुल उसका निचोड़ है। तत्वार्थ का मतलब तत्व, वैसे दूध का जैसे मक्खन होता है उसी तरह से चारों वेदों का ये बीज हम लोगों को जो सोहंग मंत्र बताया जाता है ये यजुर्वेद का बीज मंत्र है, गुरुदेव कहा करते थे उसी प्रकार। और चारों वेद, चारों का मतलब यही है तत्त्वम असि, तुम जो है वह हो, और सोहंग मंत्र में भी सह और अहम हो गया, ये अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ इसका भी मतलब वही है, और शिवोहम का भी वही मतलब कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ तो शिवमय में हूँ मैं। तो इन चारों में से किसी एक तत्व को उस ब्रह्म के तमाम वेदों के निहितार्थ को सद्गुरु कानों में जो सिद्ध किया हुआ है उसको छोड़ता है तो उसके अभ्यास द्वारा उसको प्राप्त कराया जाता है। तो ये योग भक्ति और ज्ञान, ज्ञान का मार्ग है ये तो हम सोहम इत्यादि की उपासना करना, और अब चौथा है सेवा भजन का। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ ऋषिकेश के एक बड़े बुजुर्ग संत, बड़े नामनिष्ठ संत, मैंने बहुत पहले उनकी सेवा की, उनके पास रहा, अभी थोड़े दिन पास दर्शन करके आया था। 110 वर्ष की अवस्था में मैंने पूछा कि महाराज जी आप इतने दिनों तक, अब वो लाइन के थे, ये तमाम शास्त्र पढ़ते रहते थे, ब्रह्मसूत्र इत्यादि कंठस्थ था उनको, और कुछ नहीं मतलब एक कपड़े में नंगे हड्डी दिखती थी और किनारे बैठे हुए चुपचाप उसको अध्याय करते रहते थे। तो मैंने कहा कि उसमें जो मर्मार्थ है, तत्वार्थ है, और उसके चिंतन में करते करते आपकी स्थिति क्या हो गई है, ईगो तो बरबस मन को पकड़ के उस चिंतन में लाया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है, और दूसरा ये तरीका हुआ
कि उसका अभ्यास करते 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 ऐसा हो गया कि उसी में स्थिति हो गई आपकी। तो मैंने तो कुछ ऐसे जटिल तंग से कारण कि अब हमको तो उसका अनुभव है नहीं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ऐसा है कि ये 10 वर्ष की उम्र तक का तो मुझे याद है, मैं कितना निश्चल होता था, कितना भोला भाला होता था, कितना सरल होता था, मेरा शरीर कितना निरोग था, कुछ भी खा लिया पच गया जैसे भी हो गया। तो उस तन और मन दो जो मेरा 10 साल की उम्र में था आज 110 साल की उम्र में वैसा ही मेरा मन है। बस यही रिजल्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। सारी उम्र भर की साधना तपस्या का फल यह है कि 10 साल में जो थे जैसा मेरा तन था निर्मल निरोग था और जैसा मन मेरा था तो और इस तरह से 110 वर्ष की उम्र में मैं ठीक वैसा ही हूँ। उसको सूत्र रूप में उन्होंने कहा भी कि शरीर को बिल्कुल पूर्ण निरोग रखने का मतलब ब्रह्मचर्य की महत्ता बताई उन्होंने कि बिल्कुल अब 10 वर्ष की अवस्था के बच्चे में तो ब्रह्मचर्य का क्या पता है, लेकिन एक तरह से पूरा संकेत में कह दिया उन्होंने कि पूरे जीवन भर इस ब्रह्मचर्य का पालन किया मैंने जिसके चलते मेरा शरीर निरोग हुआ और मन से कभी पूरा चिंतन नहीं किया मैंने, और जब भी इधर को आया तब से अखंड रूप से मैंने उस ब्रह्म का चिंतन ही किया, न घर का चिंतन, न दुनियादारी की ही नहीं, न बाल बच्चा किया, न कुछ किया, आश्रम में भी हों तो एक रोटी जाके खा लेता हूँ इससे ज़्यादा नहीं। अबाध रूप से तैल धारावत उस ब्रह्म वाक्य में, उस तत्वार्थ में, उस सोहम तत्वमसी में मेरी धारणा ऐसी रह गई कि बस 110 वर्ष की उम्र में भी मैं वैसा ही हूँ जैसा 10 वर्ष की उम्र में था। और अभी थोड़े दिन पहले सुन के बड़ा ये हुआ कि ऐसे बड़े दुर्लभ महापुरुष होते हैं जो इस अखंड धारणा 110 वर्ष कितनी बड़ी उम्र होती है और इस उम्र तक से हंसते हुए दाढ़ी में केश सब झड़ गया था, इतने पुराने हो गए थे और रात दिन ब्रह्मसूत्र पढ़ते पढ़ते वे चले गए। तो वो रास्ता है साधना का, तपस्या का, और हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने इन चारों के बाद चारों में एक चौथा जो है ये भक्ति का और सेवा का, और सेवा से भी भक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। सेवा करोगे गुरु महाराज जी की तो उनके प्रति भक्ति जगेगी, उनके प्रति प्रेम जगेगा, अपना तन भी लगाओगे। हमारे बाबा जी थे, बड़े बाबा जी वहाँ परमपुरी में, तो वे सिखाया करते थे भक्तों को कि देखो तन और मन, तन और धन, ये दो चीज़ जो हैं ये दो ठो मांस के टुकड़े हैं और तुम्हारा मन पिछले साल से कुत्ता बन के इन दोनों का भोग करता रहता है। ये भोग में प्रवृत्ति तन से भोग करता है और उस तन को पोषण करता है उस धन से, और तन से उपार्जन करता है उस धन को। तो उन दोनों में लिपटा हुआ हो तो क्या करोगे, उस कुत्ते को यदि तुमको वहाँ ले जाना हो तो कोई भाषा तो तुम्हारी समझेगा नहीं, ये कुत्ता चलो ना दरवाजा पर चलो उधर चलते हैं बाजार में, वो बेचारा लिपटा हुआ है वैसे नहीं मानेगा, उसको डांटोगे तब नहीं मानेगा, मारोगे तब नहीं मानोगा, घसीटोगे तब भी तुम्हें काट देगा। तो क्या करोगे, उन दोनों टुकड़ों को उठा के ले जाके दरवाजा पर फेंक दो और यहाँ से अपने आप ही चला जाएगा। तो कहते थे कि इसी तरह से ये तन और मन जो है तुम्हारे, तन और धन जो है, दो में तुम्हारा मन उलझा हुआ है। तन का पूरे जीवन भर के तन का उपार्जित तो जो तुम्हारा धन है, कुछ तो प्रारब्ध से पहले से मिला, कुछ तुमने उपार्जन किया, इस दोनों को इसीलिए दान करने के लिए तन से सेवा करो और धन से दान करो। और मन से जप तब होगा जब दान करोगे और सेवा करोगे, और तभी मन से भजन होगा। कहते हैं तन पवित्र कर सेवा और मन पवित्र कर और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण, तीनों का कल्याण हो जाएगा। वो धन भी शोधित हो जाएगा, तुम्हारा तन भी शोधित हो जाएगा और तुम्हारा मन उसी तरह से भगवान की धारणा करते 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 करते, धारणा में खलल डालने वाले दो ही हैं, ये धन है और ये तन है, इनको अधिक से अधिक लगाओ, सत्कार में लगाओ, जितना भी शरीर के भरण पोषण का है उससे ज़्यादा। कबीर इत्यादि महापुरुष क्या कहते हैं ये कि इतना साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा
कहते हैं कि गृहस्थ में वो सबसे बड़ा धन है गृहस्थ को दान करना। जो साधु मेरे दरवाजे पर आता है उस साधु भूखा न लौटे, उसको दो रोट का खाना दे दें हम। कितना कितना परमार्थी लोग होते थे कि अपने पेट का खाना अपने लिए नहीं है लेकिन दूसरे को खिला देते थे। तो साधु भूखा न जाए और मेरे पेट के भरण पोषण के लिए भी। अब भरण पोषण में ऐसा नहीं कि आबाद सारी दुनिया ही खा जाए आदमी तब वो इसमें अटता नहीं है, लेकिन वह भरण पोषण का ये मतलब हुआ कि सामान्य रूप से इसको जिंदा रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए जितना चाहिए उतना दो और बाकी हम दान देने के लिए मिल जाए वह उतना ही दीजिए जितने में मेरे शरीर से संबंधित पत्नी है, बेटा है, परिवार है। तो जामे कुटुम्ब समाय और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, और इस तरीके से इतना ही देना। इससे ज़्यादा दोगे तो अनर्थ करेगा। धन जो है उसकी सर्वोत्तम गति दान है, और नहीं तो मध्यम गति भोग है, और नहीं तो जो बचा के रखेगा उसको तो चबा जाएगा, उसका सर्वनाश कर देगा। इसलिए अंतिम वक्त तक बड़े लोग महापुरुष जो होते हैं, कारण कि उसके प्रति वृत्ति चली जाएगी तो बस नीचे पिंड लोक में फंस जाओगे। देखो उस महात्मा ने तीन तीन बड़े बड़े आज के हिसाब से करोड़ों की संपत्ति थी, उसको छोड़ के चले गए और जाके कहते हैं कि वो चीलों को उनको कौओं को खाने के लिए छोड़ दिया है। वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, अब मुकदमे हो गए हैं। थोड़े दिन में सुनोगे बेटा कि कुछ मर भी गए उसी में, और मैं देख के चील माता जैसा किनारे हंसता रहूँगा। और अपने तो क्या, अपने उसको छोड़ा और यहाँ से ऊपर की ओर जाते जाते मैं शरीर छोड़ूंगा। तो कुछ दिनों के बाद में महात्मा वो शरीर छोड़ गए। तो ये हमारे आश्रमों की जो मर्यादा, जो महापुरुषों ने परमहंस महाराज जी के समय से आज तक से 175 वर्ष हो गए उनके जन्म के, तब समय भी बदल गया, लोगों की क्षमता बदल गई, लोगों के अंदर की धारणा बदल गई, लोगों के शरीर की सहनशीलता बदल गई, मन की पवित्रता बदल गई, जमाने ने बदल दिया। इसलिए बाद के महापुरुष जो आए और उन्होंने अपने समय में नंगली गुरु महाराज जी को तप में लगाया, तप भी कितना जो सारे लोगों से अभी सुना जाता है कि वर्षों तक बिल्कुल एकदम निराहार अनाहार रह के पत्ते चबा के जिस तरह से हो वो उन्होंने नाम का जप किया, और उस जप में अपनी धारणा को उस महात्मा ने जो 110 वर्ष में किया, और नंगली गुरु महाराज जी ने पिछले जन्म के महापुरुष होंगे और उन्होंने इसको साध लिया, और तब गुरु ने कृपा ऐसी दर्शाई कि उनको बुला के और रो पड़े, रोने लगे कि मेरा लाल दुनिया का तारणहारा बनेगा। क्या क्या नहीं कहा है, जब वहाँ जयपुर में दर्शन करने को गए हैं उनको खाना पानी को कोई नहीं पूछा तो लौट गए। उस इंस्टेंस को, उस घटना को, महापुरुषों के उस घटना को कहानी की तरह से नहीं पढ़ना और सुनना चाहिए। अब तुम बताओ कि हमारे मन के जरा सा विपरीत होता है तो हम तो लाल पीला हो जाते हैं, 8 दिन तक हमारा गुस्सा ही नहीं उतरता है। और वे कैसे थे कि उनके गुरु ने गए 250 किलोमीटर पैदल चल के, भूखे रह के, रेगिस्तान में चल के, और उन्होंने लौटा दिया, कह दो कि दर्शन नहीं होगा, वहाँ तप करने के लिए बैठा था क्यों आ गया यहाँ। तब उन्होंने कहा कि महाराज गलती हो गई, मैं चला जा रहा हूँ तो दर्शन दे दीजिए। और कमरे में अंदर बैठे थे, ऐसा उठ के आ सकते थे, वे तो अखंड रूप से अपने समाधि साधना में लीन रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बाहर का जो खिड़की पर आ जाए। अब ये खिड़की पर आ जाए कि कहानी जो है किताबों से नहीं सुनी मैंने, मैंने अपने गुरुदेव परम प्रभु से सुनी थी, जो इनको अपने गुरु महाराज ने सुनाया होगा, इसीलिए ज़्यादा प्रमाणिक और कहीं दूसरे ग्रंथों किताबों में नहीं मिलता है। कि उन्होंने कहा ठीक है खिड़की से आगे कह दो दर्शन करने के लिए। खिड़की खुलवाया तो बैठे थे मस्ती में, डांटा उन्होंने तो क्यों आ गए तुम यहाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका आशीर्वाद लेके मैंने किसी को कुछ कह दिया था, उससे कुछ पैसा चांदी का चढ़ा हुआ था धोने पर, मैं तो भीतर गुफा में रहता हूँ, सोचा कि उठा ले जाएगा, इसलिए आपकी अमानत देने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खिड़की से फेंक दो। फेंक दो, बताओ कितने सिक्के होंगे, हैं देने वाले और लेने वाले कैसे थे। लेने वाले इतने बड़े बड़े राजाओं के ताज जिनके चरणों में झुक गए और उसको हाथ नहीं लगाया,
इतने त्यागी शिरोमणि, और फेंक दिए फर्श पर कि फेंक दो उसको और चला जा, कहे कि कोई प्रसाद दे दीजिए। और कितने मेवे मिष्ठान चढ़े होंगे, तो उन्होंने सेवक को कहा कि दो ठो चावल का टुकड़ा दो। हाँ, आज जैसा गोल गोल कीनू नहीं बटता था, और बढ़िया बढ़िया कलाकंद अभी भी चार चार डब्बा पड़ा हुआ हो। कहाँ जमाना कहाँ से कहाँ चला गया हे भगवान। तो उनको जो मिला हमको तो नहीं मिलेगा ना, है उनको जो मिला आज हमें मिल रहा है, और सारी उम्र तक मिलता रहेगा संसार जब तक जो नंगली वाले को मिलेगा वैसा तो किसी को कहाँ नसीब होगा। और वो गुरु की थप्पड़ सहा, गुरु के डांट सहा, जब फेंक दूँ वो कहते कि उठाकर दो जो दूसर और उठाऊँ निगाहें, ये मन हरामी उनके डांटने के विपरीत करेगा, अभी पीट के मार दूंगा मैं। अब हम लोग तो कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उर्गण केशव दास, वैसे हम लोग तो जुगनू होता है एक सूरज भी होते हैं, तो सूरज थे तो हम लोग तो जुगनू भी नहीं है जो चाहता है नहीं प्रकाश। और बताओ हम काशी के उस महात्मा की बात सुनते हैं, वो जो काष्ठ जी हवा स्वामी की, वो देवतीर्थ स्वामी के गुरु थे वे, और उनके गुरु की सेवा करते करते इतना हुआ कि इतने महान पंडित हो गए कि वो देवतीर्थ जो थे, अब वो बड़े बड़े पंडित आवे उन लोगों के साथ शास्त्रार्थ के धुरंधर शास्त्रार्थ होता था और उनको हरा देते थे, और वाहवाही हो कि वाह महाराज हरा दिया, आज उसको हरा दिया, आज उसको हरा दिया। पंडित थे, पांडित्य था, ये भी बंधन बढ़ता है। अच्छी बातें मुझे बहुत आती हैं, ये भी अहंकार बना देता है। बुरी बातें आती हैं वो तो बंधन ही है, मुझे बहुत अच्छी बातें आती हैं। अब उनको उनके गुरु ने सुना कि अरे आज तो उनको हरा दिया, आज उनको हरा दिया, उन्होंने बुला के बोले अरे नालायक तू मेरा चेला है, तो लोगों को अपने पंडित की धाक जमाने के लिए पंडिताई सीखा था तुमने नीच कहीं के, और उतने लोगों के मन को जो त्रास दिया तुमने, उनके उतने लोगों के मन में जो पीड़ा हुई हारने के बाद, उस विषाद के कारण तुम बने, तू हत्यारा है कि क्या है। और जैसे दांत से कोई बाघ किसी को नोच लेता है, वैसे तू अपनी इस जिह्वा में क्या कील जमा रखा है कि दांत के किसी का दिल तो खाता है तुम, जा तू नीच है पतित है। और उन्होंने कहा कि तुम महाराज क्या करें, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं जान रहा था कि ये भी पाप हो रहा है। हैं तुम अच्छी बातों से लोगों के हृदय को शांत करो ना, जो जल रहे हैं उनको शीतलता दो, केवल उनको जलाओ, उनका अपमानित करो, उनका अहंकार तोड़ के। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो प्रायश्चित कहिए मैं करने को तैयार हूँ, कैसे शिष्य होते थे लोग। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिह्वा जो है इसने छुरी का काम किया है, इसने तेज छुरी लिया और छुरी से जिह्वा के अगले भाग को उन्होंने रेत के काट लिया, और उसमें उतना ही बराबर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध के लटका दिया। तब क्या हो, अब जीव से तो खून भी चूरा, लकड़ी लटकी हुई, और कहा कि भिक्षा मांगने जब जाता है ना तो ऐसे ही जीव जैसा वही करता है जो तुमने किया, कुत्ता अपने ऐसे जीव से नोचा। इसलिए जाके लोग जाने दुनिया के लोग कि दंडी स्वामी देवतीर्थ नाम था उनका, वो महापतित है ऐसा कह के, और अपने जिह्वा का उच्छेदन कर दिया उनको। और कितने महीनों कितने साल गली में घूम घूम के और जाते थे, लोग देखे ऐसे करते थे, बोल भी नहीं पाते थे, कटोरी ऐसे किए तो क्या हुआ, तो लीलार पर लिखा हुआ था कि ये गुरु द्वारा अभिशप्त, ये इतना इतना नीच है, ऐसा लिखवा दिया। अब उसका प्रायश्चित का समय बीत गया। एक दफ़ा अब वहाँ के काशी के नरेश गए गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने डुटकार के डांट दिया कि भागता है कि नहीं तुम, भोगी बिलासी राजा मैं तुमको दीक्षा दूंगा, और उनको लौटा दिया। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, जाके उनको जब निराश हो गया तो उसने कहा कि अब क्या करूँ मैं, तो उनका शिष्य जो देवतीर्थ है उन्हीं जैसा विद्वान है और बड़ा महात्मा बन चुका है, उससे ले लीजिए ना दीक्षा। उनको दीक्षा लेने के लिए गया, बहुत रोया गिड़गिड़ाया, राजा 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 ठहरा। तो भीतर में चेला बनाने में ये भी होता है कि
कि कल डीएम साहब आए, तो डीएम साहब तो खैर बनेंगे भी नहीं, कहीं बन गए चेला तो हम 50 जगह कहते फिरेंगे, कहा कि हम ये डीएम साहब आए थे, कल मंत्र दिए थे, मेरे शिष्य बन गए ये, बताओ भीतर में कैसा है, अपने शिष्य की बड़ाई, शिष्य कोई डीएम कहलाता है, शिष्य तो धारणा है, उसके अंदर में लघुता कितनी है, भीतर में अपने आप में शीलता सरलता कितनी है, वह जिज्ञासु कितना है, भगवान को पाने के लिए ललक कितना है, गुरु के चरणों में अनुराग कितना है, ये बड़े कहलाने वाले तो किसी काम के नहीं होते। ये बड़े बड़े लोग आते थे गुरु महाराज जी के पास में, महाराज जी अब हम लोगों को तो दुनियादारी बुद्धि थी, प्रोफेसर हैं तो कलेक्टर हैं तो जज हैं, समझा के ले जाते थे, उसमें भी अहंकार होता था कि हाँ हम इतने बड़े आदमी को महाराज जी के चेला बना दिए, मेरे गुरु महाराज जी के ऐसे चेले हैं, मेरे गुरु भाई ऐसे हैं, तो महाराज जी हंस देते थे और कुछ नहीं उनको अच्छा बुरा, वो तो पार गए हुए थे इन चीज़ों से, कहें कि अरे इन लोगों के पीछे पड़ पड़ के क्यों लेते हो, ये जो बाबू कहला गए ना, जिनके नाम के अंदर में साहेब लग गया, डीएम साहेब, पीएम साहेब हैं, और ये साहेब लगे बेटा इस क्लास के नहीं रह जाते हैं, इनका मान इनको गिरने नहीं देगा, और जो गिरेंगे नहीं उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। घड़ा वाली कहानी कहते हैं ना कि घड़े ने पूछा घड़े के ऊपर ढक्कन ने कि जब से तुम पैदा हुए कुम्हार के घर, मैं भी साथ ही पैदा हुआ था, लेकिन तुम सबके शीतलता देते हो और सब जो आता है उसको शीतल कर देते हो, ठंडा कर देते हो, और मैं कैसा हूँ तेरे पास रह रहे के भी मैं सूखा रहता हूँ। तो घड़े ने हंस के कहा कि जो झुक के आता है, सिर झुका के आता है लेने वाला, गिलास हो चाहे कटोरी हो चाहे जो भी हो, और उसको मैं भर देता हूँ, और तू पैदा तो साथ में हुआ है लेकिन मेरे सिर पर उठ के बैठा है, मुझसे अपनी बात मनवाता है, मेरी बात नहीं मानता है, हाँ मेरी गलती जरूर निकालता है, तुम्हारी गलती मैं निकालूँ तो तुम उठ जाओगे, इसलिए बेटा सूखे के सूखे रह जाओगे तुम, और तो झुकना आज ही झुकना शुरू कर दो तो आज ही सीधा हो जाओ। तो उस महात्मा ने हाँ कह दिया, फिर जाके गुरुजी से कहा कि गुरुजी कल तो जाऊंगा मैं जरा, और काशी महाराजा आने वाले हैं दीक्षा लेने के लिए, तो उनको जरा मंत्र देना, कहा कि मैंने तो उसे यहाँ से लौटा दिया था, तूने कहा कह दिया उसको, हाँ कहा कि महाराज जी तो नहीं कहा था कि आपने लौटा दिया था, कहा कि वो तो महाभोगी विषय होते हैं ये, संसार के धन के मद में, पद के मद में, अपने शक्ति के मद में चूर ये राजा भला, अब उसको तुमने दीक्षा देने के लिए कह दिया है, महा नादान है रे तू, मेरा चेला है नालायक, तेरे अंदर में भीतर में एक सूक्ष्म अहंकार है ये कहलाने के लिए कि मैं राजगुरु हूँ, मैं राजा का गुरु हूँ, ये कहलाने के लिए ऐसा करता है, जा तू माँ पापी है। और कहा कि महाराज वचन तो झूठ जाएगा, कहा ठीक है कल जाके उसको दीक्षा दे दो, लेकिन तुम्हारे भीतर के सोए हुए उस अहंकार का मर्दन मैं जरूर करूंगा मैं। और उसको मर्दन करने के लिए कहा कि एक लकड़ी के फलक पर लिख दो कि दंडी स्वामी देवदेव महापतित है, पहले में तो पतित ही लिखे थे, इसमें कहे महापतित है, और ऐसी माथे पर लगा लगा के काशी में घूमते रहो अपने जीवन भर तक, लोग देखने वाले जाके तुम्हारे पातित्य का वह क्षय करने का वही उपाय है। कैसे गुरु होते थे, कैसे शिष्य होते थे, आज उनकी किताबों में नाम तो हम लोग सुन रहे हैं। परमहंस महाराज जी ने दो दाना मांगा चावल का और अपने होठ से लगा के कहा दे दो उसको, कहा वापस चले जाओ, जहाँ बैठाया था वहाँ बैठे रहो तुम, और वहाँ से फिर लौटा दिया। उनके जाने के बाद कैसे गुरु होते हैं, जाने के बाद लौट के आए, उन्होंने पूछा कि अरे उस बच्चे को ठहराया नहीं तुम लोगों ने, और ठहरा के कुछ खिलाया पिलाया नहीं, कहा कि महाराज आप डांट पड़े इसलिए हम लोग वह हिम्मत नहीं हुआ कहने, कहे कि मुझे तो उसका जीवन बनाना था, मैं कुम्हार हूँ ना, कुम्हार रहम करेगा उसको ठोकेगा नहीं तो उसका कड़ापन दूर कैसे होगा, मुझे तो इसी जगत का सिरमौर बनाना था उसे, उसके जीवन को, और मैंने इसलिए उसे स्वीकार किया है, और तुम कहे तुम्हारा तो भाई होता था तुम उसे पूछ लिए होते, अपना फर्ज तो अदा करते, और कहते जब रोने लगे कि अब तो चला गया है जाने दो,
तुमने नहीं पूछा तो अभी उसका जीवन बना हुआ है। मेरे बच्चे का मुंह सूखा हुआ था और किस तरह से सुखा दिया है अपने आप को। एक समय आएगा कि उसको लोग सोने के सिंहासन पर बैठाएंगे, लोग दरवाजे दरवाजे दूध पिलाएंगे, लोग उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे, उसके रास्ते में कालीने बिछेंगे और राजे महाराजे दुनिया के बड़े बड़े सुरमा उसके चरणों में झुक के जय जयकार बनेगा उस लाल का मेरे। और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और कितना बड़ा आज आशीर्वाद फलित हो रहा है उन्हीं के सेवा में। हमारे यहाँ गुरु भक्ति की बड़ी महत्ता है और गुरु से प्रेम करना भक्ति। और क्या होता है, क्या करेंगे, उनका लोटा मल लेंगे, उनको ये कर लेंगे। प्रेम जो है वो वही होता है जहाँ प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। कहते हैं कि ये इतना साकरा है कि वहां मैं मर जाना पड़ता है, तुम बचोगे कौन? नाराज कौन होता है डांटने से? जिसका मन बचा हुआ है। तो मन बचा हुआ तो बेटा यहाँ नहीं पटकाओगे, वहां पटकाओगे, तुम्हें वहां पटकेगा, जीवन भर पटकेगा। इसलिए उसको मारो और मारने के बाद ही तुम निखरोगे, किसी दिन सोना बन के सिर के ताज बनाए जाओगे। और उन्होंने किया मेरे महाराज जी की सेवा की मिसाल हम लोगों ने तो उनके लिए सुना है। जो कहते थे एक बार कि बेटा मैंने गुरु महाराज जी को जाते जान अपने जीत जानते जानते जमीन पर उनके पाँव को नहीं रखने दिया था, मैं उठा के उनको जाना होता था और उसमें बाथरूम में जब भी उठा के उनको ले जाके रख देता था, स्नान करा के वहाँ से ले आके बिस्तर पर रख देता था। यहाँ तक भी कह पड़े कि जब कार बाद में हो गई, कार में सफर करने लगे तो महात्मा लोग तो पीछे बैठे होते थे, कई सेवादार, कोई प्रवक्ता थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे, और मैं उनके चरणों के पास में उनके चरणों को गोद में लेके बैठता था। अब बताओ सुन के रुआ खड़ा हो जाएगा कि उस गाड़ी के उस सीट से और आगे के बीच में कितनी सकरी जगह होती है, लेकिन भाव कितना था कि मेरे महाराज का चरण जमीन पर पड़ेगा, उनके पांव जमीन में लिए होते थे और जूते पहने होते थे और आंख मूंदे। वे कोई कितनी बातें, कितने लोग थे उनके अधीन, तो किसी शिष्य पर किसी पर नाराजगी हो किसी की बात पर तो ऊपर से वो उसको अनाप शनाप बोलते भी थे कि वो ससुराल नालायक, देखो ऐसा है वैसा है, कुत्ता है बिल्ली है, न जाने कितना खराब संस्कार का है, और उससे लाख से मारते जाते थे। और वो तो खोए हुए हैं अपने बात अपने स्थिति में, और वो मेरे पाँव को मारे तो मारने से मेरे पाँव में वो चमड़ी जो छिल छिल के वो खून बहने लगता था और खून से मेरा कपड़ा सन जाए। मैं जब उतरना हो तो महाराज जी उतरे, उनके पीछे मैं उतर के फिर उनकी सेवा करने लगे। देखे अरे इसमें खून कहाँ से हो गया, अरे कहाँ महाराज जी हो जाएगा इसमें मलहम लगा, नहीं हुआ कैसे। कहना पड़ा कि महाराज जी ऐसे ही होता, आपके कृपा हुई आपकी। कहे कि अरे बेवकूफ़, मैं तो उस महात्मा पर नाराज हो गया था, उसको मार रहा था, कहा कोई बात नहीं, उसका मार मेरे ऊपर पड़ी, ऐसी सेवा। हाथ में महाराज दूर चले गए थे, उनके लिए चिट्ठी लिखने की हुई तो बताया करते थे कि अपने हाथ को ऐसे चाकू से खरोच दिया, बाद में उसका दाग दिखाते थे उतने 60 सालों के बाद में कि बेटा यही है जो हम लोग कभी तेल लगाएं तो दिखाते थे, ये याद आता है ना, मैंने गुरु महाराज जी को इसका खून निकाल के और उसकी चिट्ठी लिखी थी महाराज जी को कि ये महाराज मुझे शीघ्र अति शीघ्र दर्शन दीजिए वरना प्राण निकल जाएगा। और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उन्होंने मुझे बुला लिया था। कितनी कितनी बातें, आग गर्म करने के लिए सारा अंगोरा ही उठा लिए, पूरी छाला पतर गया। और सरकार कैसे थे सेवा लेने वाले, कहते हैं परम हाथ किसके जले, तुम्हारे या मेरे? कहा प्रभु मुझे तो जल्दी आग ले आओ बस आज्ञा हुई थी इसलिए ले आया, और अब किसके जले ये तो आप जानिए, आपकी लीला जाने। और उसको फिर उपचार किया जाने लगा। तो इतना इतना प्रेम जहाँ होगा वहाँ तो गुरु का रूहानियत तो उनकी शक्ति तो उतर ही आएगी। परमहंस बाबा ने जो कहा था कि स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक अनुयायी होंगे, शिष्य होंगे, नाम लेवा उपदेशी होंगे,
इसमें 500 का बीज पैदा होंगे और उन बीजों से कितने फल फूल लगेंगे जिसका कोई शुमार नहीं। वैसे ही बीज में फल फूल लगे हुए हम हैं, छोटे छोटे फल और फूल तो ऐसा ही होता है, और उस बीज ने तो हजारों लाखों फल फूल पैदा कर दिए और कर रहे हैं। 500 बीज पैदा होंगे मतलब 500 परमहंस पैदा होंगे, देश के कोने कोने में, देश के सांतर में उनके नाम का प्रचार कर रहे हैं। धन्य थे महापुरुष, उनकी ऊंचाई को याद करके बस केवल प्रणाम करके सिर झुका लेने के अलावा और कुछ कहना शेष नहीं रहता है। ये इतने बड़े रूहानियत का दरबार है जिनके पता नहीं हृदय को बनाने की तो का तो ऐसा कौशल था कि जो महाराज एक एक लीलाएं सुनाते हैं कि एक महात्मा ने वो कटोरी चुरा ली और उस कटोरी वाले को पता भी चल गया तब भी उसको जानने नहीं दिया और उसको ज्यादा प्यार करने लगे। हम लोगों तो किसी की बुराई पता चल जाए तो ढोल पीट देते हैं और उसमें अपनी बड़ाई समझते हैं, उन्होंने मना कर दिया और 10-12 साल बाद तक उसको दुलार करते 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 वो महात्मा प्रचारक बन गया। उसको किसी ने दिल में खलता होगा, उसको अपना पाप किया हुआ छिपके तो जीवन भर खलेगा, पाप कोई मुंह में चेहरा में थोड़े लग जाता है, पाप जो करोगे ना तो कलेजे में बैठा हुआ है, मृत्यु के समय सामने याद आ जाएगा और डुबा देगा वो। इसीलिए गुरु लोग कहते हैं कि जिस चीज को करके छिपाने का मन करे वही पाप कर्म है। इसको खाओ यदि दम है तो। आनंद गोस्वामी तुलसीदास जी के पत्नी ने ताना दिया और हल्ला पीट दिया, किताब में लिखी कि मैंने चाहा प्रेम रस और पत्नी के उपदेश, पत्नी ने मुझे मारा तब मैं राम का हल्ला रस चखा हूं। इतने बड़े लोग भी हुए तो उसको पाप किए हुए को निकालने का भी अपने गुरु के सामने खोल दो तो कहते थे कि तुम तो जानते ही हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन जान के मैं खोल दूंगा तो झिझक जाओगे, इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि तुम्हारा हौसला तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ता जाए दिनों कि तुम अपने ऐब को दोष को कहने के लायक बन सको और उसको कहो तो कहते ही वो कपूर होकर निकल भी जाएगा। तो हृदय बनाने की पाठशाला है, हृदय बनाने के महान आचार्य देवे जैसा उनके गुरु ने पीठ पीठ के उनको बनाया था वैसा उनके चरणों में गए हुए उन्होंने तो एक खड़ा किया, इन्होंने तो लाख खड़ा करके रख दिया। ऐसा उनके आज्ञा भी थी कि एक को बनाओ जो लाख को रड़ावे, आज लाखों लाख उनके नाम देवा उपदेशी विश्व भर में फैले हुए उनका जयगान गा रहे हैं। वैसे महापुरुष के इस तिथि पर या ऐसे उनकी पाठशाला है, हमें तो रोज हमारा तो शास्त्र पाठ भी जप भी और योग भी तमाम चीज भी हवन भी उपासना भी हमारा सब केवल उनकी महिमा गाना है और कुछ नहीं है। जो मूर्ख इस तत्व को नहीं समझता है, बस गुरु को खुश करना, गुरु की महिमा गाना, रात दिन उनकी महिमा गाओ, अकेले बैठो तभी सोचो कैसे होंगे, ऐसा कह दिया और जरा उनको बुरा नहीं लगा। वाह महाराज महाराज, और बस क्या पढ़ोगे रामायण की चौपाई और क्या पढ़ोगे और कोई मंत्र याद करके, तो यही तो मंत्र है और वहाँ खड़ा कर दो अपने बेईमान मन को, ये तू कैसा है रे और तेरे गुरु कैसे थे जिनके रोज आरती उतारता है, तौल करके खड़ा करके देखो ना, लाज लगनी चाहिए तुम्हें और उसी पाठशाला का पढ़ा हुआ है तो ये महापुरुष कैसे थे, उनको इसी रूप में याद करना चाहिए। हम उनके सामने एक जीवन में मापदंड के रूप में है और हम उसी को याद करते करते चलेंगे। इसके अलावा और कोई पंथ यदि इधर उधर मन ताकता है तो मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे महाराज ने कहा था कि बेटा मैंने तो गुरु महाराज जी की सेवा करके उनके घर का झाड़ू लगा के उनके घर का बर्तन धो के उनके प्रेमियों को प्रेम करके मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसा दावा करके सब कुछ पा लिया, बिल्कुल चारों जो गति मुक्ति के चारों प्रकार की मुक्तियां जो हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब मेरा पूरा हो गया। और वैसे महापुरुष के अनुचर हैं, हम सेवक हैं, हमें भी सेवा करनी चाहिए, सेवक बनना चाहिए, अपने मन और मान को मारना चाहिए, वैसा ही जैसे गुरुओं ने मारा था उसी से वे पूजित हुए
और बात बनाने वाले कितने चले गए। अब बताओ स्कूल के गुरु ने जो ज्यादा श्लोक पढ़ के और शास्त्र याद करके उसको हरा देता था उसको उनमें सजा में शुमार कर दिया। कि तुम्हारी जीव छुरी है कि क्या है रे, हैं? दुआ कर करके लोगों को सुखी करने के बजाय लोगों को आहत करता फिरता है नालायक कहीं का, और जीव काट दिया उन्होंने, बाकी ले तेरा दंड देते हुए। तो गुरुओं के समझ में बनने वालों के रास्ते में इतना छोटा सूक्ष्म अहंकार भी खतरनाक होता है और उसको भी वे हटाना चाहते हैं। तो हम तो मिल मिल के अपने दोषों को निकालते जाएं और उनके चरणों में चढ़ा दें कि प्रभु हम दुर्बल चित्त के हैं, बस पाँव में ताकत नहीं तुम्हारे पास आने का, हाथों में बल नहीं है आपके चरणों को छूने का, बस गुहार लगाता हूँ वो भी गुहार लगाने के लिए शब्द नहीं है, बोली बोलता हूँ मेरी तुतरी बोली अस्पष्ट बोली अशुद्ध बोली को भी तुम स्वीकार कर लेना, उसी को प्रार्थना मान लेना और मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहना, तुम्हें अपना चाकर बना देना। इसी गुहार के साथ में हमारा सुबह शाम की प्रार्थना संपन्न हो और यही हमारी साधना है।